मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रेठी तहसील का एक वीडियो जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक युवक मोर को पकड़कर मोर से दुर्व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है और राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख बड़े बेरहमी से उखाड़ता दिख रहा है। यहां तक कि वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। उक्त युवक पादी समुदाय का बताया जा रहा है। वीडियो में मोटरसाइकिल के नंबर से पता कर वीडियो की सत्यता का प्रमाण लगाया जा रहा है। फिलहाल युवक के ऊपर वर्ल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर युवक तलाश की जा रही है। जी, इस वीडियो के बारे में हमको परसों पता चला था। परसों गुजरात से किसी एनजीओ ने मुझे कॉल किया था और साथ में वीडियोस को उन्होंने भेजा था। इंस्टाग्राम पे ये वीडियो इस युवक के द्वारा अपलोड की गई थी। हमने तत्काल, क्योंकि उसमें उन्होंने एक बाइक का फ़ोटो भेजा था, इसमें बाइक का नंबर दर्शित हो रहा था पर वो क्लियर नहीं था, तो हमने तत्काल आरटीओ कटनी को उस फोटोज़ को भेजा था। तो उससे उनके द्वारा जांच की गई, इससे पता चला कि वो रेठी का रजिस्टर्ड नंबर था। मीनवाइल हम हमारे स्टाफ के द्वारा भी उसकी जाँच कर रहे थे, तो हमारे स्टाफ ने युवक को पहचान लिया था और उनके द्वारा भी वही कन्फर्म हुआ था कि ये बंदा जो है रेठी का है। उसके बाद में हमने एसपी साहब को तत्काल बताया। एसपी साहब ने अपने पुलिस फोर्स की मदद पूरी हमें की, तो पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट की टीम मिलके उस एरिया में गश्ती करने गए जहाँ का ये युवक है, परंतु ये युवक 15-20 दिन से वहाँ पर दिखा नहीं था। अभी हमने इसके खिलाफ PUR दर्ज की है वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। एसपी साहब ने बताया है कि वो भी FIR इस पर दर्ज कर रहे हैं, और हमने पहले हम ट्राई कर रहे थे कि लोकली हम इसको इतना सर्कुलेट ना करें जिससे कि हम इस युवक को पता लगने ना दें कि इस हमें पता लग गया है कि ये युवक ने क्राइम किया है, पर अभी क्योंकि मीडिया में ये खबर फैली गई है तो हम चाहेंगे कि मीडिया के थ्रू भी हमें पूरी हेल्प मिल सके। बाकी अभी हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और जानकारियाँ भी मिली हैं जिससे पता चला है कि इस युवक की करंट लोकेशन क्या हो सकती है, क्या होने वाली है, उस पर पूरी नज़र हम रखे हुए हैं। जैसे ही वो हमें जहाँ से भी पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी हमें इसकी खबर लगेगी वहाँ के लोकल स्टाफ की मदद लेके हम इसे तुरंत गिरफ्तार करवाएंगे। कटनी से प्रवीण कुमार पार्षद की ये रिपोर्ट।